नमस्कार, आप देख रहे हैं रिजाना न्यूज़। मैं शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। वन विभाग कर्मचारियों को मिली बड़ी कामयाबी, मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गई 65 सागवान की बल्लियां। एसडीओपी बीनागंज सुरेश कुमार को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी। ग्राम गावरी में पर्वत सिंह लोधा के घर की छत पर सागवान की बल्लियां रखी हुई हैं। सुरेश कुमार के नेतृत्व में रेंज ऑफिसर मुकेश सिंह रघुवंशी, परिक्षेत्र सहायक रावगढ़ मयंक श्रीवास्तव, राजेश धाकड़, सुनील कुमार, भूरेलाल पटेरिया एवं वनकर्मी ग्राम गावरी पहुंचे। वहां पर्वत सिंह लोधा के घर पर रखी सागवान की बल्लियों को जब्त कर उड़नदस्ता वाहन में भरकर वन परिक्षेत्र रावगढ़ में लाया गया। वहीं पर्वत सिंह लोधा अभी तक फरार है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि दावड़ी गांव में पर्वत लोधा के घर के छत पर लगभग 65 बल्ली रखी हुई हैं सागवान की। तो उसी सूचना के आधार पर हमारा समस्त स्टाफ गया हुआ था, और जैसे मौके पर गए तो वहां दूर से ही दिख गया था कि छत पर बल्ली रखी हुई थी। तो हम लोगों ने जब्ती की कार्रवाई करके और मौके पर जो आरोपी है वो मिला नहीं है, उसको सूचना दे आए हैं कि कल यहाँ आके कार्रवाई की जाएगी। रावगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन आज गुना में किया गया। इसमें तकरीबन 2000 बच्चों के नाम रजिस्टर करवाए गए। बता दें कि गुना शहर में पहली बार इतने बड़े स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में तकरीबन 25 कंपनियों ने भाग लिया। वहीं इनमें से 15 कंपनियां ऐसी थी जो गुना पहली बार आई थी। इन सभी कंपनियों ने मिलकर तकरीबन 3000 लोगों की भर्ती होना है। जिले में कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन के निर्देशन का जिला स्तरीय कौशल एवं रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। गुना में आज पहली बार निजी क्षेत्रीय लगभग जो 25 कंपनी आ रही हैं, जिसमें से 15 कंपनी ऐसी हैं जो जिले में पहली बार आ रही है। इस तरह टीम लीज है, स्टार इंडिया है, पेटीएम है, एयरटेल है, इस टाइप की कंपनी हमारे ज़िले में पहली बार आ रही है और उनकी रिक्वायरमेंट लगभग 3000 पदों की है। और यहाँ पे मतलब ना जो उच्च शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए कैरियर प्रदर्शन की व्यवस्था की गई है, और जो लोन लेना चाहते हैं विभिन्न शासकीय भाव में उनके लिए यहाँ लोन की व्यवस्था है। 15 भाग रोजगार के लिए लगे हुए हैं। 25 कंपनियाँ विभिन्न तरह का रोजगार देगी, जिसमें
5000 से लेकर 25000 तक सैलरी है उनकी, और 18 से 28 और 35 साल तक जिनकी एज है उनकी निजी क्षेत्र में रोजगार देने का काम करेंगी। और आज गुना में पहली बार इतना जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेरा गुना जिले के जो रोजगार भाई सभी ने इस रोजगार मेले में अधिक से अधिक आकर लाभ उठाए। करीबन अभी तक कितने बच्चे आ चुके हैं? अभी तक जो हमारे जानकारी में है लगभग 1500 रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं, और जिस शाम तक जब तक भीड़ रही जब तक बराबर रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। और हमारा लक्ष्य कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर सकें। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी में आयोजित किया गया पेंशनर स्वास्थ्य शिविर, इस शिविर में पेंशनर संघ के सभी सदस्यों ने निशुल्क इलाज कराया गया, वहीं उनकी जांचें भी यहां निशुल्क की गई। इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पेंशनर मौजूद रहे। बता दें कि पहले ये शिविर जिला चिकित्सालय में सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक के बीच लगाया जाता था, वहीं अब इसका स्थान परिवर्तित करके रेडक्रॉस भवन में बना दिया गया है, जहाँ इसका संचालन दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक किया जाएगा। पेंशनर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया जो पूर्व में 11 से 1 बजे तक रहता था जिला अस्पताल में। कलेक्टर के निर्देश अनुसार 3 से 5 तक रेडक्रॉस भवन में लगाया गया। यहाँ करीब 20 पेंशनर आए थे तो उसमें कोई व्यवस्था नहीं थी डॉक्टर की, तो आज भी आप देख रहे हैं कि डॉक्टर नहीं आए। और जो जाँच का क्रम है वो सुबह आना पड़ेगा, इसकी तुलना में पहले वाला अच्छा। विश्व प्रसिद्ध वक्ता एवं धर्मगुरु अरविंद जी महाराज के मुखारविंद से बह रही है ज्ञान की गंगा। मानस भवन में इन दिनों अरविंद जी महाराज द्वारा भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। इसी मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भागवत कथा सुनने एवं उसका लाभ उठाने पहुंच रहे हैं। आज इस कथा में अरविंद जी महाराज द्वारा श्री कृष्ण के बचपन एवं उनके बाल सखाओं का वर्णन किया गया। वहीं अरविंद जी महाराज द्वारा बताया गया कि अब माताएं अपने पुत्र को स्वयं का दूध नहीं पिलाती हैं, जिसे शुरू से ही बोतल के दूध पिलाने की आदत डाल दी जाती है। यह आदत आगे चल के बच्चों को गलत संस्कार ले आती है। हालांकि बोतल वही होती है लेकिन उसके मायने बदल जाते हैं। भक्ति पुष्टि पूर्ति भक्ति है ये सज्जनों, माताओं का वात्सल्य उमड़ता है तो वे लाला के जगने से पहले ही काम कर लेती है। माताओं को अब तो अपना दूध पिलाने वाला भी कार्यक्रम लगभग बंद हो गया है। मैया का दूध लाला नहीं पीता, क्या पीता है? बोतल का। और वो बोतल का इतना अभ्यास हो जाता है कि फिर उम्र बढ़ती जाती है क्योंकि वो बोतल की तरक्की होती जाती है। फिर थोड़ी बोतल अलग टाइप की हो जाती है पर अभ्यास तो बन गया है ना। महाराज आज भगवान कह रहे हैं, राजन यानी यानी गीतानि तद्बालचरितानि माखन खाए गए।
जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा रात में करवाई गई वाहन चेकिंग एवं चालानी कार्रवाई। रात के समय में शहर में कई लोग शराब पीकर वाहन चलाते हैं, जिसकी वजह से कई तरह के हादसे होते हैं। इन्हीं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल द्वारा खुद खड़े रहकर वाहन की चालानी कार्रवाई की गई। जयपाल सिंह, यानी के नाम पे अपना नाम, मेरा नाम जयपाल सिंह। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे की बैठक आज एक निजी होटल में संपन्न की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री लाल सिंह आर्य पहुंचे। इनके साथ विधायक पन्नालाल शाक्य भी मंचासीन दिखे। अपने उद्बोधन में मंत्री लाल सिंह आर्य पूरे समय कांग्रेस के पीछे ही पड़ दिखे। साथ ही उन्होंने सिर्फ कांग्रेस की बुराइयों के अलावा और कुछ भी नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बताया कि इन चार सालों में मोदी सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया, बस यही बताते रहे कि कांग्रेस ने हर समय गलत काम किए और उन्होंने गलत को ही अंजाम दिया। मंत्री जी यहाँ नहीं रुके, उन्होंने ये तक लेके आ गए कि हमें किसी भी पुराने मुख्यमंत्री से कोई एतराज नहीं है, लेकिन कांग्रेस ये बता दे कि उन्होंने अपने फिरोज खान के साथ क्या किया। भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पन्नालाल अहलुवालिया जी, विकास अन्नोटिया जी, मोनू खटीक जी, प्रदीप चंदेल जी, दीपक खटीक जी, ब्रजमोहन जी, दे दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि भैया प्रधानमंत्री रहिए, देश का काम क्या सेवा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से योजना 4,500 से ज्यादा होती है, इंदिरा गांधी के नाम से भी इतनी होती है और राजीव गांधी के नाम से भी लगभग इतनी होती है। भवनों के नाम, योजनाओं के नाम, चौराहे के नाम, लेकिन देश में जिस आदमी ने करोड़ों दलित शोषित पीड़ितों की आवाज बना, उस आदमी के नाम से कांग्रेस ने एक भी योजना का नाम देश में अभी तक नहीं रखा है। और फिर भी कांग्रेस हमारे दलितों के बीच में कहती है, हम ही तो तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं। अगर सच्चे हितैषी थे तो फिर कांग्रेस के नेताओं से हिसाब मांगना चाहिए कि राजीव गांधी 1992 में खत्म होते हैं दक्षिण में, 1993 में एक साल बाद ही भारत रत्न का सम्मान मिल जाता है, इसका हमको कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वो भी प्रधानमंत्री रहे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस की सरकार रहते हुए 43 साल मरने के बाद भी भारत रत्न का सम्मान क्यों नहीं मिलता, इसका जवाब हमें कांग्रेस से मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। तो भैया तुम्हारा आदमी तो तुम्हारा है और हमारा आदमी हमारा नहीं। देश का संविधान लिखता है, अपमान सहने के बाद भी संविधान में भाईचारा, सामाजिक सद्भाव लिखता है, उस आदमी को भारत रत्न का सम्मान नहीं मिलता कांग्रेस की सरकार के समय। एक साल निकल जाए, दो साल निकल जाए, पांच साल निकल जाए, भैया 43 साल निकलने के बाद भी आपने फुर्सत नहीं मिली के अंबेडकर को मानने वाले करोड़ों लोगों को हमें सम्मान करना है तो अंबेडकर जी के नाम से कोई भी योजना का नाम रख दो, कोई भी राष्ट्र स्मारक बना दो, कोई भी अंबेडकर के नाम से सिक्का जारी कर दो, कोई अंबेडकर के नाम से राष्ट्रीय स्मारक बना दो। 71 साल में इतनी फुर्सत नहीं मिली कांग्रेस को। रघुनाथ सिंह को मानने वाले करोड़ों अनुयायी देश में हैं, उनके नाम से किसी योजना का नाम रखने की 70 साल में कांग्रेस को फुर्सत नहीं मिली। महर्षि वाल्मीकि को मानने वाले करोड़ों लोग देश में हैं जो दूसरे को सफाई देते हैं और खुद गंदगी में रहते हैं। ऐसे लोग महर्षि वाल्मीकि को मानते हैं जिन्होंने राम जी के पैदा होने से पहले रामायण लिख दी, पहला महाकाव्य अगर किसी ने लिखा तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। क्या उनके सम्मान में 71 साल की सरकार में
मध्य प्रदेश की 45 साल की सरकार में कोई भी फुर्सत नहीं मिली कांग्रेस को। मैं ये प्रश्न इसलिए उछाल रहा हूं कि आखिर इन्होंने इन महापुरुषों के सम्मान में कुछ भी नहीं किया है, तो क्या इनके साथ हमको खड़ा होना चाहिए क्या? जोर से बोलिए, खड़ा होना चाहिए क्या? तो क्यों खड़े हो जाते हैं? हैं? डीजे ना में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।